Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials. Today we are going to start with the new chapter, and this is Chemical Coordination and Integration. Hanji, so students, in this chapter we are going to read about the endocrine glands at first. Endocrine glands. Then we are going to read about the hormones. ठीक है? And then we are going to read about the hormonal action. And with this, our chapter, the last chapter of human physiology is ended. And last chapter of human physiology end होने के साथ साथ हमारा ये जो पूरा unit है complete हो जाएगा. And this is very important for you all to read it, study it properly. तो चलो. Let us start with the chapter, that is chemical coordination and integration. Just wait for 2 minutes. Anji, students, yes. So in this new chapter, starting up from the destination of the endocrine glands, let us read. Students, the endocrine system. First of all, you have to remember that endocrine system includes the endocrine glands and their secretions. ठीक है, इसमें हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो जो हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं वो आएंगे. नाउ अब हमें देखना होगा दैट व्हाट आर हार्मोन्स. बेसिकली हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट आर एक्टिंग एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. जो हमारे हॉर्मोन्स हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, दे आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स. नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. दे आर द केमिकल्स सेक्रेटेड बाय अवर बॉडी एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. क्योंकि हॉर्मोन्स का ट्रेस मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट है. अब ये स्मॉल से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो भी क्या होगा, हमें कोई डिसीज हो जाएगी. स्मॉल से डिक्रीज हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी. स्मॉल स्मॉल का मतलब आप लगा लो बहुत ही स्मॉल. जस्ट लेट अस सपोज दैट इट इज 5 mg पर मंथ. 5 mg पर मंथ से अगर ये 4 mg पर मंथ रह गया तो भी ये क्या करेगा, डिसीज कॉज करेगा. एंड ज्यादा हो गया मतलब 6 mg हो गया तो भी क्या करेगा, ये डिसीज कॉज करेगा. ठीक है, सो एंडोक्राइन सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए हॉर्मोन्स का प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड व्हाट आर द हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस रीड अबाउट द एंडोक्राइन हॉर्मोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स. बस इतने से हॉर्मोन्स है आपको याद रखना है. सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस, उसके बाद आता है पिट्यूटरी, उसके बाद आता है हमारा पीनियल ग्लैंड, उसके बाद थायराइड, थायराइड के बाद पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड के पास ही प्रेजेंट होते हैं. देन थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर चेस्ट. देन द एडर्नल ग्लैंड किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है. देन द पैनक्रियास, पैनक्रियास आपको पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी से थोड़ा सा नीचे. देन द गोनाड्स, गोनाड्स आर प्रेजेंट समवर्ट हियर. तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है टेबल या चार्ट या लिस्ट है जो दी गई है. बस आपको इतने ही याद रखने हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम याद रखने के साथ साथ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस भी याद रखनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर दैट. ओके, तो चलो अब हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द हाइपोथैलेमस. सो स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द नर्व सेल्स, नर्व सेल्स जो कुछ सेक्रीट करते हैं, इसका मतलब हो गया न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स. न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स आर द नर्व सेल्स
न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, दीज आर द नर्व सेल्स सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है जी, तो हाइपोथैलेमस तीन टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी को रिलीज करने पे मजबूर करता है, इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी को इनहिबिट करने पे मजबूर करता है, एंड जो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन है ये हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज करता है लेकिन पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर होता है। ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन, ये प्रेगनेंसी में काम आता है, एंड वैसोप्रेसिन इज द एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में अभी पढ़ा था। तो दैट इज द सेम थिंग, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस पूरा कंप्लीट। अब आगे जाके हम इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, रिलीजिंग हार्मोन के डेफिनेशन, इनहिबिटिंग हार्मोन के डेफिनेशन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन का फंक्शन। ठीक है जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिलीजिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स आर द स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, दीज हॉर्मोन्स स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम द पिट्यूटरी। रिलीजिंग हॉर्मोन जब भी हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता है तो वो क्या करता है, पिट्यूटरी को हार्मोन रिलीज करवाता है। इसमें से एक जो है हमारा हार्मोन दैट इज द इसके एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है तो पिट्यूटरी को फर्दर हार्मोन रिलीज करने पे मजबूर करता है। दैट इज जस्ट बिकॉज आप ये लगा लो कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, वी आर हैविंग प्रिंसिपल, देन वी आर हैविंग कोऑर्डिनेटर, एंड देन वी आर हैविंग टीचर्स। तो जो प्रिंसिपल है दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जब कुछ रिलीज करेगा तब कोऑर्डिनेटर काम करेगा, कोऑर्डिनेटर इज द पिट्यूटरी। ठीक है, एंड टीचर्स आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, कोऑर्डिनेटर को कुछ बोला कि आप ऐसा करो, कोऑर्डिनेटर ने फर्दर टीचर्स को बोला कि आप ऐसा करो। ठीक है, मैसेज कहां से आ रहा है, मेन जो फंक्शन कर रहा है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट कर रहा है। अगर हाइपोथैलेमस कहेगा तो कुछ रिलीज होगा, अगर हाइपोथैलेमस कहेगा तो कुछ इनहिबिट होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद करना है। इनहिबिटिंग हॉर्मोन, inhibiting hormone inhibits the secretion of the pituitary hormones, that is somatostatin inhibits release of growth hormone from the pituitary. Inhibiting hormone inhibits the secretion of the pituitary hormone, for example somatostatin. Somatostatin जब भी produce होना शुरू होगा तो students क्या होगा, ये जो growth hormone है वो क्या होगा, inhibit होगा, pituitary gland will stop producing the growth hormone. ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये ट्रांसपोर्टेड टू द पिट्यूटरी एंड दे आर स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी। ये प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस करता है लेकिन स्टोर कहाँ पे होते हैं, पिट्यूटरी में। जब इसकी जरूरत होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर देता है, इसको रिलीज कर देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये सबको समझ आ गया होगा व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। Pituitary gland is the master gland क्योंकि ये body के सारे hormones को regulate करता है, and you have to remember that hypothalamus is the
इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर को भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है स्टूडेंट्स, दैट इज लोकेटेड इन द कैविटी सेला टर्सिका. सेला टर्सिका इज द नेम ऑफ द कैविटी. इट इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. इस स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, द एडिनो हाइपोफाइसेस एंड द न्यूरो हाइपोफाइसेस. एडिनो हाइपोफाइसेस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी इज द सेक्रेटरी पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. यहां पे मैं लिख देती हूं, दिस इज द सेक्रेटरी पार्ट एंड दिस इज द स्टोरेज पार्ट. पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द स्टोरेज. Storage part of the pituitary gland, it is known as the neurohypophysis. So further, adenohypophysis या anterior pituitary के दो parts होते हैं. First one is the pars distalis, second one is the pars intermedia. हाँ जी students, you have to remember that. Now let us read about the hormones that are secreted by the pituitary gland respectively. So pituitary gland ye list of hormones ko secrete kar raha hai. First of all the somatotropin or the growth hormone. Growth hormone growth ko increase karta hai. Somatotropin kya karta hai, growth ko decrease karta hai. Next is the prolactin hormone. Prolactin hormone milk secretion ko stimulate karta hai. Thyroid stimulating hormone, ye thyroid gland ke hormone ko stimulate karta hai. एडर्नोकॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन्स, ये एडर्नल ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ये ओवरीज एंड टेस्टिस को रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है टू डू गैमेटोजेनेसिस. एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन फर्दर ओवरीज एंड टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द सेक्स हॉर्मोन्स. तो ये फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड के वेरियस वेरियस हॉर्मोन्स का. Let us start from the first part of the pituitary gland. Pituitary gland का pars distalis, मतलब anterior pituitary का pars distalis part, first hormone that is growth hormone or the somatotropin hormone. This hormone is responsible for the growth of the body. Over secretion of growth hormone can cause gigantism, मतलब बहुत ज्यादा लंबी height हो जाती है, बहुत ज्यादा growth हो जाती है, and कम growth जो है वो dwarfism cause कर देती है. ठीक है, hyposecretion stunted growth या dwarfism and over secretion abnormal growth या gigantism. Students, जो regulation of the growth hormone is very important for the normal growth. और 18 से 20 साल की उम्र तक ये जो है pituitary gland hormone को release करना बंद कर देगा. पर ये अगर 18 से 22 साल तक की उम्र में भी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता रहता है तो क्या हो जाता है, ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स. एडल्ट्स मतलब 18 साल की उम्र के बाद, मेनली इन द मिडिल एज. मिडिल एज मतलब 18 से 22 24 तक की एज तक. कॉजेज एक्रोमेगेली. एक्रोमेगेली का मतलब सिवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस. फेस के ऑर्गन्स की डिसफिगरमेंट, फेस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. अजीब सी प्रॉपर जो उसकी शेप है वो नहीं आ पाती, अजीब शेप हो जाती है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिसऑर्डर. हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से डिसेबिलिटी भी हो सकती है. एंड इट कैन लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन द प्रीमैच्योर डेथ. डेथ भी हो सकती है इससे हमारे ऑर्गेनिज्म को. अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज इज डिफिकल्ट. इट मे बी अनडिटेक्टेड फॉर मेनी इयर्स. अर्ली डायग्नोसिस ऑफ दिस डिसीज इज डिफिकल्ट. हमें नहीं पता चलता कि ग्रोथ हार्मोन अभी हो रहा है. जब तक पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है एंड सम केसेस में इसकी डेथ भी हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर, आप देख सकते हो कि ग्रोथ हार्मोन एक ही हार्मोन है लेकिन ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स कॉज कर रहा है. स्टेट अंडर विच कंडीशंस ग्रोथ हार्मोन causes dwarfism, gigantism and acromegaly.
एक्रोमेगैली का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, डिसफिगरमेंट, मतलब हमारी जो शेप है, शेप वो खराब हो जाती है ऑर्गन्स की, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टलिस वाले पार्ट्स में सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड द मिल्क प्रोडक्शन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। पैनक्रियास क्या करता है, पिट्यूटरी क्या करता है, जब पिट्यूटरी में TSH रिलीज होता है तो वो थायराइड के पास जाता है और थायराइड को बोलता है भाई तेरा टाइम आ गया, अब तू अपने हार्मोन सिक्रीट कर। दिस इज द थायराइड ग्लैंड। दो थायराइड ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड द राइट, ठीक है जी। हाँ जी। एंड एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द किडनीज। यहाँ पे ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, फर्दर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। ये हम एड्रेनल ग्लैंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपको जस्ट देखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ये फर्दर नेक्स्ट ग्लैंड को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज और टू इनहिबिट द हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स भी पार्स डिस्टलिस वाले पार्ट ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज हो रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों हार्मोन्स ही गोनाड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं टू डू देयर फंक्शन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओव्यूलेशन को इंक्रीज करता है। ये गैमेटोजेनेसिस का काम करता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनाडल एक्टिविटी को ही स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है स्टूडेंट्स, दिस इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी पार्स डिस्टलिस वाले पार्ट में ही प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये एंड्रोजन्स की सेक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द FSH एंड द LH? डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ FSH एंड LH, स्टूडेंट्स FSH क्या करता है, स्टिमुलेट्स गैमेटोजेनेसिस, LH स्टिमुलेट्स सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है जी, दिस इज क्लियर, ठीक है। आपको यही याद रखना है, इन फीमेल्स इट जो LH का फंक्शन है, इन फीमेल्स इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ही एक ऐसा पार्ट होता है ओवरी का जो क्या करता है, हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द पार्स इंटरमीडिया। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, एंटीरियर पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, द डिस्टलिस, डिस्टलिस पार्ट LH तक सारे हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है, एंड पार्स इंटरमीडिया जो पार्ट है दैट इज रिलीजिंग द MSH। MSH मतलब मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता क्या है स्टूडेंट्स, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द स्किन पिगमेंटेशन। स्किन की पिगमेंटेशन को, धूप में हम जाते हैं हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, एंड जब हम घर पे आते, घर पे रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा स्किन का कलर लाइट होता है। जब हम सोते हैं तब हमारी स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, स्किन का कलर नहीं, बेसिकली कंसिस्टेंसी क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। दिस इज ऑल ड्यू टू द मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स आर द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन एंड दे कंसिस्ट ऑफ अ पिगमेंट नोन एज मेलानिन, एंड मेलानिन हमारे स्किन कलर को रेगुलेट करता है। जब हमारी स्किन ज्यादा डार्क हो जाती है धूप में एंड ज्यादा लाइट हो जाती है घर पे रहते हुए, मतलब ज्यादा लाइट नहीं होती है, बेसिकली हमारे नॉर्मल कलर को वापस आ जाती है, नेचुरल कलर को वापस आ जाती है, दिस इज ड्यू टू द मेलानिन। मेलानिन की ज्यादा सेक्रेशन होगी तो डार्कनेस हो जाएगी स्किन की,
लेस सिक्रीशन होगी तो हमारी स्किन क्या होगी, नॉर्मल रहेगी, नेचुरल। व्हाइट पीपल यू कैन राइट इट व्हाइट स्किन्ड पीपल, हैव लैक ऑफ melanin in their skin cells due to which they are prone to allergies and skin cancer। उनको धूप से एलर्जी होती है बहुत ज्यादा, वो धूप में दो मिनट भी खड़े हो जाए रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है स्किन की, एंड धूप की वजह से उनको स्किन कैंसर भी हो सकता है। दिस इज ड्यू टू द मेलानिन पिगमेंट ओनली। चलो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं एंड लेट अस रीड अबाउट द न्यूरो हाइपोफाइसिस। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को रिलीज करता है, दैट इज स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी। सो ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है, न्यूरो हाइपोफाइसिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, इट स्टोर्स द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, दैट इज द हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स इन फीमेल्स, इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं यूटेरस की, सो दैट द बेबी कैन बी डिलीवर्ड, बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है, एंड मिल्क के प्रोडक्शन, मिल्क को इजेक्शन में, मींस मिल्क प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन बाहर भी तो निकलना है उसने, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। वैसोप्रेसिन इज अ हार्मोन दैट इज आल्सो नोन एज अ एंटी डायुरेटिक हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स ऑफ किडनीज एंड देयर बाय रिड्यूसेस डायुरेसिस दैट इज यूरिन फॉर्मेशन को क्या करता है वो कम कर देता है। एंड इसकी डेफिशिएंसी होती है जिन लोगों में, वो बहुत ही ज्यादा यूरिन सेक्रेट करते हैं, उनको प्यास भी बहुत लगती है और यूरिनेट भी बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि उनकी किडनी रीअब्सॉर्प्शन नहीं कर पाती, एंड दिस डिसऑर्डर इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडियस। सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि डायबिटीज इंसिपिडियस के केस में, कि डायबिटीज इंसिपिडियस के केस में बेसिकली कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द वैसोप्रेसिन और द एंटी डायुरेटिक हार्मोन। ठीक है जी, यू हैव टू रिमेम्बर दैट। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट ग्लैंड एंड दैट इज द पीनियल ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, फोर ब्रेन की पीछे वाली साइड पे होता है पीनियल ग्लैंड। यू कैन सी हियर दिस इज द लोकेशन ऑफ द पीनियल ग्लैंड सेरेबेलम के ऊपर, इट सेक्रेट्स मेलेटोनिन। स्टूडेंट्स मेलेटोनिन क्या करता है, मेलेटोनिन रेगुलेट्स द 24 आवर रिदम ऑफ द बॉडी, दैट इज द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी, बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट्रा, मतलब 24 घंटे के अंदर हमें 8 घंटे नींद आती है। ठीक है, whenever we wake up, अगर हम 8 बजे उठ गए हैं सुबह तो रात को लाइक 9-10 बजे के करीब हमें नींद आने लग जाएगी, दिस इज रेगुलेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड दैट इज मेलेटोनिन। इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पिगमेंटेशन को भी करता है, हमारी स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो पीनियल ग्लैंड की वजह से भी होती है, इसीलिए बोलते हैं ब्यूटी स्लीप। The word that is used for proper sleep is the beauty sleep. जो लोग properly सोते नहीं है उनकी skin की quality पे असर पड़ता है। Sleeping improves the quality of skin. तो सो जाना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, अगर कोई काम नहीं है आपको करने को तो सो जाओ। ठीक है, functions of melatonin regulates the diurnal rhythm of the body, it also regulates the sleep wake cycle of the body, it regulates the body temperature, it influences metabolism, pigmentation and menstrual cycle, it also influences our defense capability, defense capability matlab immune system mein bhi hame kya karta hai, help karta hai, hame strong banata hai।
नाउ द थायराइड ग्लैंड, आई होप कि पीनियल ग्लैंड का आपको सारे क्लियर हो गए होंगे फंक्शंस, यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो, वैसे तो सारे समझ आने वाले हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है. एंड यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि पीनियल ग्लैंड का फंक्शन बताओ, तो फिर आप इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो सारे. हाँ जी, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है. इट इंक्लूड्स टू लोब्स लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. ट्रैकिया मतलब विंड पाइप के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, द राइट एंड द लेफ्ट पार्ट. The lobes are interconnected with the isthmus. So what is isthmus? Isthmus is the connective tissue which connect the thyroid gland. You can get a question. NEET में ये question आया हुआ है isthmus के ऊपर. क्योंकि isthmus is also a part of ovary. But in this we are not talking about the ovary. We are talking about the thyroid gland. So thyroid gland का भी जो part है that is isthmus. That is important. Thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. इसमें follicles, follicular tissue भी होते हैं and stromal tissue भी होते हैं. What are these? We can follicles cells secrete the following hormones. Follicle जो cells हैं वो क्या करते हैं? Secretion का काम करते हैं. Thyroxine and thyrocalcitonin. ये क्या करता है? Further हमारे metabolism को regulate करता है students. Thyroxine, triiodothyronin means T4 and T3 hormone की regulation है जो that is regulated by the follicular cell and thyrocalcitonin. तो ये तीन hormones है जो release होते हैं follicular cells of the thyroid gland. Thyroxine का क्या function होता है? Thyroxine is important for the regulation of the basal metabolic rate. It is important for the physical, mental and the sexual development of a person. अगर थायरॉक्सिन ज्यादा रिलीज होगा स्टूडेंट्स, मतलब T4 एंड T3 हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज होंगे तो बंदा क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसमें ज्यादा होगा. अगर ये कम रिलीज होंगे तो फिर बंदा क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा. सो इन दिस वे थायराइड ग्लैंड्स है जो, इसमें आयोडीन का फंक्शन होता है. थायराइड जो भी बीमारी होती है उसको आयोडीन हम बोलते होते हैं कि आयोडीन ज्यादा खाया करो सो दैट यू आर एबल टू प्रॉपर फंक्शन, है ना. तो यही चीज होती है इसमें, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा है. एंड आयोडीन, आयोडीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन, इन दोनों में क्या प्रेजेंट है? आयोडीन प्रेजेंट है. सो आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट हॉर्मोन इज यस, नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन आर रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, support RBC formation, control metabolism, carbohydrates, proteins and fats. ज़्यादा होगा तो ज़्यादा metabolism होगा, कम होगा तो कम metabolism होगा. Maintain the water and electrolyte balance in the body. हमें overall healthy रखने में ये क्या करता है? Helpful होता है. Next is the function of the thyrocalcitonin. Student, thyrocalcitonin is a protein hormone. It lowers the blood calcium level. ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या कर देता है? कम कर देता है. अब अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो हमारे ब्लड में कैल्शियम बहुत ही ज्यादा कम होगा, और अगर ये हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो हमारे ब्लड में कैल्शियम क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड ग्लैंड. ओके स्टूडेंट, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स करेंगे. Till then, have a nice day and thank you.